अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अलग अलग आप सबको हमेशा खुश रखे। तो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, चीज़ी शामी सैंडविच। ठीक है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ होने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 अंडे, उसके बाद ब्रेड के स्लाइस लिए मैंने 6, नमक लिए, ये दादरी जो लाल मिर्च होती है वो ली है, थोड़े से ओरिगैनो काली मिर्च, प्याज लिए, प्याज इसमें 1 टेबलस्पून मिलेगा, और मायोनीज या चिकन स्प्रेड जो भी अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर लीजिएगा। मेरे पास शामी पड़ी हुई थी, मैंने उनको फ्राई कर लिया है। और इसमें चीज़, क्योंकि ये चीज़ी सैंडविच है, इसमें हम चेडर चीज़ एंड मोज़रेला चीज़ दोनों यूज़ करेंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों अंडों को मैंने इस बाउल में शिफ्ट कर लिया है। ये 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा ये अनियन, उसके बाद इसमें जाएगा ये नमक 1/2 टीस्पून, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल लीजिएगा। उसके बाद काली मिर्च। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। ये 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे ऑमलेट। ये अच्छे से मिक्स हो गया, इसको हम यहाँ डालेंगे पैन में। देखें जैसे जैसे ये पकना स्टार्ट होगा, लिक्विड थोड़ा सा कम होगा, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। मैंने इसमें प्याज ऐड किया था, आप इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आप वेरिएशन करना चाहें। आप इसमें शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं, और बहुत ज़बरदस्त ये ब्रेकफास्ट है। आप अपने बच्चों को खिलाएं और स्कूल के लिए आप लंच के लिए दें, उन्हें बहुत पसंद आएगा। ये साइड चेंज कर दिए, देखें कितना खूबसूरत कलर आया। इसकी थिकनेस चेक करें आप, कुक हो गया। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखें माशाल्लाह। सुबह के टाइम माशाल्लाह कितनी प्यारी हवा है, बच्चे अभी भी स्विंग्स पे जो हैं वो झूले ले रहे हैं। चलें जी, ऑमलेट हमारा रेडी हो गया था। ऑमलेट रेडी हो गया, अब ये जो ब्रेड स्लाइसेस मैंने लिए थे उनको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। ये मैं हल्का हल्का इनको कलर दे रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने सारे ब्रेड के स्लाइसेस को दे देने। मैंने इन सारे स्लाइसेस को कलर दे दिया। अब हम सबसे पहले इसमें ये मायोनीज है आपके पास वो लगा लें। ये स्लाइस मैंने सबको कलर दे दिया था। अब सबसे पहले मेरे पास चिकन स्प्रेड था वो इसके ऊपर कर देंगे पेस्ट। उसके बाद ये मेरे पास जो मैंने ऑमलेट बनाया था उसको सेंटर से कट करके पीसेस कर लेंगे। ये ऑमलेट मैंने इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हम ये नेक्स्ट स्लाइस रखेंगे। आपके पास केचप हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी शामी। ये मैंने शामी लगा दिया। अब देख रहे हैं कि किस तरह से रेशेदार है, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके बाद हम आप ये मेरे पास जो चीज़ का स्लाइस है मैं इसके ऊपर रखूंगी। ये मैंने चीज़ का स्लाइस ऊपर रख दिया है। अब हम ये एक और स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर भी लगा लेंगे। आप केचप लगाना चाहें, जो आपके बच्चों को पसंद है आप वही लगा सकते हैं, मायोनीज लगा सकते हैं, चिकन स्प्रेड लगा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
जो मर्जी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे बेटे को चूँकि चिकन से फैट बहुत ज़्यादा पसंद है सो मैंने वही इसमें ऐड किए। अब मेरे पास ये चीज़ है जो हम ये ऊपर से स्प्रेड कर देंगे। ये ओरिगेनो मेरे पास है, वो ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसमें डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो स्किप कर देंगे। दादरी लाल मिर्च, इसको ऐड कर देंगे। अब मैं इसको पैन में रखूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि चीज़ मेल्ट होगी। ये मैंने सैंडविच पैन में शिफ्ट कर दिया है, इसको मैं कवर करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक कि चीज़ मेल्ट होगी तब तक मैं दूसरा सैंडविच जो है वो रेडी कर लूँगी। मैंने साथ साथ फर्स्ट वाला जो मैंने स्लाइस था वो पैन में रखा हुआ है, और ये सेकंड वाला मैंने इस तरह से रेडी कर लिया जैसे फर्स्ट वाला किया था। ये मैंने 2 मिनट के लिए कवर किया था, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल चीज़ मेल्ट हो गई है। अब मैं इसको प्लेट में शिफ्ट करती हूँ। सेकंड वाला सैंडविच भी रेडी हो गया है, तो देखें कितना ज़बरदस्त सैंडविच तैयार हुआ है, चीज़ी एग शामी सैंडविच। ज़रूर ट्राई करिएगा और आप इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी सैंडविच तैयार हुए हैं, और ये देखें इसमें ओरिगैनो चीज़ और बिल्कुल ये पिज़्ज़े जैसा टेस्ट है। अगर आप इस डो यूज़ करें तो सेम वही पिज़्ज़े वाला टेस्ट आएगा। और अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे और खुशियाँ बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।